अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। दिस इज जावेद ज़ुल्फ़िकार, योर मैथमेटिक्स टीचर फॉर क्लास 4। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिवीजन मेथड। इस लेक्चर में हमने डिवीजन मेथड स्टार्ट करना है, जो कि आप लोगों के लिए न्यू है। इससे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, तो स्टूडेंट उसमें बहुत प्रैक्टिस की हमने। सेपरेट सेपरेट जो है उसके लेक्चर बनाए, उसकी रीज़न ये थी कि आप लोगों को टाइम टेबल्स अच्छे से याद हो जाए, मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस हो जाए। ये डिवीजन वाले प्रोसेस में भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। सो जिसको भी अभी तक टाइम टेबल्स अच्छे से याद नहीं हो सके, वो स्टूडेंट्स मेरी एडवाइस है कि वो बार बार प्रैक्टिस करे, नहीं तो उसको डिवीजन उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्लियर? सो इन दिस लेक्चर एक्सरसाइज 1.7C एंड क्वेश्चन नंबर 7 वी विल सॉल्व। दिस इज अबाउट डिवीजन। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। डिवाइड द फॉलोइंग, फर्स्ट क्वेश्चन है ए पार्ट बी ग्रीन, इसी तरह से ही दे रखा है। हमने स्टूडेंट्स इसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसने डिवाइड करना है। क्लियर? इसको डिवाइडेड बोलते हैं, बट हमने ये फाइंड नहीं करना, हमने क्वेश्चन और रिमाइंडर फाइंड करना है। हमने डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर रह जाएगा वो फाइंड करना है। क्लियर? सो ये क्वेश्चन होता है और जो बच जाए उसको रिमाइंडर कहते हैं। क्लियर? सो 28 है सबसे पहले, सो आपने राइट साइड पे वर्किंग करनी है। तो फर्स्ट लेंगे हम फर्स्ट, क्योंकि छोटा है 4 28 से, तो फिर हम एलिमेंट और बढ़ा लेंगे, दो ले लेंगे, टू नंबर। ये 40 है, 40 चूंकि बड़ा होता है 28 से, तो हम 28 को 40 को डिवाइड करेंगे 28 से। सो 28 टू टाइम 54 होता है, 56 होता है, जो कि बड़ा हो जाता है। बट हम 1 टाइम करेंगे तो 28 ही आ जाएगा। सो यहाँ से कैरी ले, 10 में से 8 निकाल दें 2, और 4 यहाँ पे 3 में से 2 निकाल दें 1, ये 4 एज इट इज नीचे आ जाएगा 124। अब फिर हम जो है वो इसको जो है वो 4 टाइम इसका टेबल रीड करेंगे, तो 112 आएगा जी, जो इसके करीब करीब है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो 112 आ गया, ये 4 इधर राइट करेंगे और ये 4 हमने नीचे उतारा। सो 4 में से 2 निकाल लें 2, 2 में से 1, 1। इस 2 को भी हम नीचे ले आएंगे, क्योंकि 12 छोटा है, तो नेक्स्ट को हमने नीचे लाना है जी 122। सो अगेन हम 4 तक रीड करते हैं, 5 तक बड़ा हो जाता है, सो 4 तक ही हम इसका टेबल पढ़ेंगे। सो 112 आ जाएगा। सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये 10 रह गया। अब देखिए स्टूडेंट, 10 इससे जो है वो लेस हो चुका है, छोटा हो चुका है 28 से, सो इसका मतलब आगे डिवाइड नहीं हो सकता। सो फिर यही रिमाइंडर होगा। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। डिवाइजर से जब छोटा नंबर आ जाए तो हम मजीद डिवाइड नहीं करेंगे और उसको रिमाइंडर कह देंगे। क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? ओके, नाउ आप लोगों ने ये वर्किंग राइट साइड पे करनी है अपने पेज के, ताकि आपको पता रहे कि ये किससे मल्टीप्लाई किया और कैसे किया। इसका बी पार्ट है 1064 है, हमने 26 से इसको करना है। सो पहला एलिमेंट ले 1 तो बहुत छोटा है, दूसरा ले 10 वो भी छोटा है। सो फिर हमने 3 एलिमेंट्स कंबाइन कर दिए, 3 नंबर्स कंबाइन कर दिए 106। क्लियर? सो 26 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा, तो 104 आ रहा है, जो इसके करीब है इसके 106 के। सो माइनस करने से 2 आ गया और इधर से 4 हम नीचे ले आएंगे, सो ये 24 रह गया। सो स्टूडेंट्स देखिए जरा गौर से, 24 जो है वो डिवाइजर, ये जो 26 इससे लेस है, सो इसका मतलब आगे डिवाइड नहीं हो सकता और नंबर भी नहीं है जो हम नीचे उतार लें, तो फिर यही रिमाइंडर है और यही इसका और इसका क्वेश्चन 4 है और 26 डिवाइजर, तो रिमाइंडर 24 आ गया और क्वेश्चन 4 आ गया। क्लियर? सो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सी पार्ट इसका है 168 एंड 5। इसको हमने 31 से करना है। सो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, छोटा है, नहीं होगा। 2 ले लें 16 हो जाएगा, बट स्टिल लेस है। 3 ले रहे 168, अब बड़ा हो चुका है, तो 3 एलिमेंट्स को इकट्ठे हमने डिवाइड करना है। सो जब हम इसका टेबल 5 टाइम रीड करते हैं 31 का टेबल, तो 155 आता है, जो इसके करीब तक है। इससे ज़्यादा 6 से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हमने इसके करीब करीब रहना है। सो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, 8 माइनस 5 3, 6 माइनस 5 1, तो 13 है। 5 को नीचे उतारे 135 आ गया,
और अगर हम 4 से करें 124 आता है जो कि इसके करीब होता है बिल्कुल। सो 4 से हमने इसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 124 आ गया। 5 - 4 = 1, 3 - 2 = 1, 11 इज लेस देन डिवाइजर, 11 लेस है 31 से, तो इसका मतलब मजीद आगे डिवाइड नहीं हो सकता। सो यही रिमाइंडर है और क्वेश्चन क्या है 54। सॉरी, क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? ओके नाउ F 202084 है, इसको हमने डिवाइड करना है 39 से। क्लियर ऑल द स्टूडेंट्स? सो पहला एलिमेंट लेस है, दो इकट्ठे कर लें तो 20, स्टिल लेस है तो 3 इकट्ठे कर लें। जब तक लेस रहेगा आप एलिमेंट्स और साथ में मिलाते जाएंगे। सो 3 इकट्ठे किए 208 आ गया जो कि 39 से बड़ा है। तो 39 का टेबल 5 टाइम जब हम रीड करते हैं तो 195 आ जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो 195 राइट करेंगे। सो 8 - 5 = 3, जैसे कैरी ले 10 - 9 = 1, 4 को नीचे ले आएंगे 134 आ गया। सो 39 का टेबल जब 3 टाइम रीड करते हैं तो 117 आ जाएगा। और इधर से स्टूडेंट से कैरी ले 14 - 7 = 7, 2 - 1 = 1, 17 जो हमारे पास रह गया वो लेस है एज कम्पेयर टू डिवाइजर या 39। सो फिर यही रिमाइंडर है, मजीद डिवीजन नहीं हो सकती, ये प्रोसेस आगे नहीं चल सकता। सो रिमाइंडर 17 है और क्वेश्चन 53 है। क्लियर? इसके मैंने 4 पार्ट सॉल्व किए, रिमेनिंग आप लोग खुद ट्राई करेंगे और इनकी भी बार बार प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को ये अच्छे से आ जाए। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने राइट साइड पे वर्किंग प्रोसेस करना है। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।